पेट मोस्ट एक्सपेंसिव डॉग ब्रीड्स इन द वर्ल्ड। दोस्तों, पुराने जमाने से ही डॉग्स को इंसान का सबसे वफादार जानवर माना जाता रहा है। एक सर्वे में ये देखा गया है कि जब लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं तो अपने पालतू कुत्ते के साथ टाइम स्पेंड करके बहुत ही सुकून और खुशी महसूस करते हैं। यही वजह है कि कुत्तों से मोहब्बत करने वाले बहुत से अफराद कुत्तों की मखसूस नस्लों के लिए हजारों डॉलर्स तक देने को तैयार हो जाते हैं। कुत्तों की खूबसूरती, नस्ल का नायाब होना और नस्ल का असल होना इन्हें बेहद कीमती बना देता है। आज की वीडियो में आप जानेंगे 8 ऐसे ही कुत्तों के बारे में जिनकी कीमत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हमारी लिस्ट की तरफ। नंबर 8, अफगान हाउंड। अफगान हाउंड अफगानिस्तान के पहाड़ों से आता है। ये काफी पतले, लंबी गर्दन और लंबे बालों वाले डॉग्स होते हैं। ये डॉग्स दिखने में बहुत ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव लगते हैं। इनके लंबे सिल्की बाल जो पैरों तक लहराते हैं किसी की भी तवज्जो अपनी तरफ खींच सकते हैं। इनका इस्तेमाल खरगोश के शिकार के लिए किया जाता था। ये बहुत ही फुर्तीले और एक्टिव होते हैं। इनकी हाइट 64 से 69 सेंटीमीटर तक होती है और इनका वेट 23 से 27 किलोग्राम तक होता है। ये दुनिया की कदीम तरीन कुत्तों की नस्लों में शुमार होते हैं। इनके सिल्की लंबे बाल इन्हें दुनिया के सबसे स्टाइलिश डॉग का खिताब देते हैं। इनकी सेहत का ख्याल रखने के लिए आपको कुछ ज्यादा ही रकम खर्च करनी पड़ सकती है। और अगर बात की जाए इनकी प्राइस की तो ये $3,000 से $4,000 तक हो सकती है। नंबर 7, फेरो हाउंड। इस कुत्ते की सबसे बड़ी बात इसका नस्ली तौर पर वफादार होना और इंसानों के साथ घुल मिल जाना है। इसके नाम की वजह से बहुत से लोगों का ये मानना है कि इस कुत्ते का ताल्लुक इजिप्ट से है, मगर हकीकत में इसका ताल्लुक माल्टा से है। माल्टा से आने वाले ताजर इन्हें मिस्र लाए थे। ये कुत्ते खरगोश के शिकार के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। पतली टांगे, पतला जिस्म और लंबी गर्दन इसे बहुत ही फुर्तीला बनाती हैं। इस डॉग ब्रीड्स के डॉग्स जब एक्साइटेड होते हैं तो इनकी नाक और कान रेडिश पिंक हो जाते हैं। इनकी पूरी बॉडी, यहाँ तक के पाँव में भी कोई स्याह धब्बा नहीं होता। ये बहुत ही कदीम नस्ल है। फिरौन के जमाने में इन्हें शाही महलों में पाला जाता था, इसी वजह से इन्हें फिरौन हाउंड भी कहा जाता है। ये 23 से 25 इंच लंबे होते हैं और इनका वेट 45 से 55 पाउंड तक होता है। ये 12 से 14 साल तक जिंदा रहते हैं। इनकी कीमत की बात की जाए तो प्योर ब्रीड की कीमत $3,000 से $5,000 तक होती है। नंबर 6, चाइनीज क्रस्टेड हेयरलेस। ख्याल किया जाता है कि इस नस्ल की इब्तिदा अफ्रीका में हुई थी। ये डॉग ब्रीड अपने मालिक के साथ बहुत ही अटैच होती है। इस डॉग ब्रीड में दो इकसाम पाई जाती हैं, एक चाइनीज क्रस्टेड हेयरलेस और दूसरी पाउडर पफ। चाइनीज क्रस्टेड हेयरलेस के जिस्म पर बाल नहीं होते, जबकि इनके सर पर, टांगों के निचले हिस्से पर और दुम पर लंबे और सिल्की बाल होते हैं। और पाउडर पफ फुल व्हाइट कोट में पाए जाते हैं। पाउडर पफ की निस्बत चाइनीज क्रस्टेड हेयरलेस की डिमांड बहुत ही ज्यादा है और यही चीज इसे दुनिया के 10 सबसे महंगे कुत्तों में शामिल करती है। यूरोप में इसे तकिए के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ के लोग इसे बाजू में लेकर सोना बहुत ही पसंद करते हैं और इसी मकसद के लिए ये डॉग ब्रीड बहुत ही फेमस है। ये बिल्कुल बच्चों की तरह अपने मालिक के पहलू के नीचे घुसकर सोना पसंद करते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हर साल दुनिया के बदसूरत तरीन कुत्तों का मुकाबला भी होता है? जी हाँ, और सन 2000 से 2016 तक एक चाइनीज क्रस्टेड डॉग ने ये मुकाबला 10 बार जीता था। ये मुकाबला हर साल इसलिए मनाया जाता है कि लोगों में ये शऊर पैदा किया जा सके कि कुत्तों की शक्ल या जसामत से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तमाम कुत्ते मोहब्बत डिजर्व करते हैं। इस डॉग ब्रीड के डॉग्स की हाइट 11 से 13 इंच तक होती है और वजन 12 पाउंड तक होता है। ये डांस भी करते हैं और सिंगिंग भी करते हैं। अमेरिका में इस कुत्ते की बहुत ही ज्यादा डिमांड है। इस नस्ल के कुत्ते बहुत सी हॉलीवुड मूवीज में भी काम कर चुके हैं। इसकी प्राइस $4,000 से $5,500 तक होती है। नंबर 5, चाउचाउ। इस कुत्ते की नस्ल में बेइंतहा ऐसी चीजें हैं जो इसे दुनिया के महंगे तरीन कुत्तों में से एक बनाती हैं। ये चीन में सबसे कदीम कुत्तों की नस्लों में से एक है और हैरतअंगेज हद तक नायाब भी है। इस कुत्ते का ताल्लुक चाइना से नहीं है बल्कि इंग्लैंड से है। चाउचाउ वर्ड अंग्रेजी जुबान में नेक नीति और नेक तमन्नाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चाइना में इस कुत्ते को सोंगशिकुआन कहा जाता है, जिसका मतलब पफी लाइन डॉग है। 2014 में अमेरिका में छठी सबसे मकबूल तरीन नस्ल बन गई थी। दुनिया में दो ही ऐसे कुत्ते हैं जिनकी जुबान नीली काली होती है, इनमें से एक चाउचाउ है। ये डॉग ब्रीड बहुत ही अड़ियल और जिद्दी होती है, इसलिए ना तजर्बाकार मालकान के लिए ये डॉग ब्रीड सरदर्द का बाइस भी बन सकती है। शेर के जैसे घने बाल और भालू के जैसा चेहरा इसे बहुत ही क्यूट बनाता है। इनकी हाइट 17 से 20 इंच तक होती है और वेट 45 से 70 पाउंड तक होता है। इस नस्ल के कुत्ते की कीमत $3,000 से $6,000 तक होती है।
नंबर 4, तिब्बतियन मैस्टिफ। इस डॉग ब्रीड का ताल्लुक चीन, हिंदुस्तान, नेपाल और तिब्बत के खानाबदोश कबीलों से है। ये कबायली इन कुत्तों को अपने मवेशियों की देखभाल और हिफाजत के लिए पाला करते थे। ये डॉग ब्रीड अपनी फैमिली, मालिक और उसके घर वालों के बहुत ही वफादार होते हैं, मगर ये मेहमानों और अजनबियों को कुछ ज्यादा पसंद नहीं करते। ये डॉग ब्रीड बहुत ही एक्टिव, जिद्दी और नडर होती है। दो तिब्बतियन मैस्टिफ मिलकर एक शेर को भी हरा सकते हैं। ये दुनिया में सबसे बड़े कुत्तों की नस्लों में शुमार होते हैं। इनका वजन 130 किलोग्राम तक हो सकता है और हाइट 180 सेंटीमीटर से भी ज्यादा हो सकती है। ये सर्द इलाकों के आदि होते हैं, इसलिए गर्म इलाकों में ये बेचैन हो जाते हैं। इनके घने लंबे बाल इन्हें बहुत ही दहशतनाक बना देते हैं। इन्हें लाइन डॉग भी कहा जाता है। ये बहुत ही पुरानी प्योर ब्रीड है। हाल ही में एक चीनी अरबपति ने इस नस्ल का एक कुत्ता $1.5 मिलियन में खरीदा था। नॉर्मली इस कुत्ते की कीमत $2,500 से लेकर $6,000 तक होती है। नंबर 3, अजावाख। अजावाख बहुत ही पतले और लंबे कुत्ते होते हैं। ये इतने पतले होते हैं कि इनकी हड्डियों के ढांचे को आप साफ साफ देख सकते हैं। इसे शिकारी कुत्ते के तौर पर ब्रीड करवाया गया था। ये खरगोश और दूसरे छोटे जानवरों का शिकार करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनका ताल्लुक मगरबी अफ्रीका से है। ये कुत्ते मोस्टली कुत्तों की रेस में इस्तेमाल किए जाते हैं। इनकी हाइट 25 से 29 इंच तक होती है और वजन 24 से 28 केजी तक होता है। ये 10 से 12 साल तक जिंदा रहते हैं। इनकी कीमत $5,000 से $7,000 तक होती है। नंबर 2, लोचैन। इसे लिटिल लाइन डॉग भी कहा जाता है। इस डॉग ब्रीड का ताल्लुक फ्रांस से है। ये दुनिया के सबसे नायाब कुत्ते हैं। 1973 में ये दुनिया का नायाब तरीन कुत्ता माना जाता था। तब पूरी दुनिया में इनकी तादाद सिर्फ 65 रह गई थी, जबकि इस वक्त दुनिया भर में हर साल 300 से ज्यादा लोचैन रजिस्टर्ड होते हैं। बहुत ही ज्यादा जहीन होने की वजह से इन्हें आराम से ट्रेनिंग दी जा सकती है। ये बहुत ही ज्यादा स्वीट नेचर के होते हैं। यही चीज इन्हें फैमिली और बच्चों के लिए बेहतरीन पेट बनाती है, लेकिन ये बेहद तवज्जा मांगते हैं। इनकी नॉर्मली हाइट 12 से 14 इंच तक होती है और वजन 8 से 18 पाउंड तक होता है। इन्हें छोटा पैकेट बड़ा धमाका कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि ये कद में जितने छोटे होते हैं कीमत में उतने ही बड़े होते हैं। इनकी प्राइस $4,800 से लेकर $8,000 तक होती है। दोस्तों, क्या आप में से किसी ने इनमें से कोई कुत्ता पाल रखा है? और अगर हाँ तो कमेंट में बताएं कि आपने इसे खरीदने के लिए कितनी रकम अदा की। नंबर 1, सेमोइड। मिली है हमारी लिस्ट के टॉपर से। इसका ताल्लुक साइबेरिया से है। ये बहुत ही हार्ड वर्किंग डॉग्स हैं। शुरू में इन्हें स्लज डॉग के तौर पर पाला जाता था और हिरण के शिकार के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सेमोइड कुत्ते की नस्ल इन 14 कुत्तों की नस्लों में से एक है, जिनका ताल्लुक भेड़ियों की नस्लों में से है। इनकी शक्ल और दुम इन्हें बिल्कुल भेड़िए जैसा बनाती है। 1990 में इस नस्ल को अमेरिकन केनल क्लब ने तस्लीम किया था। इनकी सफेद घनी खाल, बादामी आंखें जो स्याह और ब्राउन होती हैं, इन्हें और भी खूबसूरत बना देती हैं। इसकी दिलकश मुस्कुराहट ही की वजह से इसका निकनेम स्माइली है। ये बिल्कुल भेड़ियों की तरह चीखते हैं। इस डॉग ब्रीड की वैल्यू और मांग उस वक्त बढ़ी जब डेनमार्क की अलेक्जेंड्रा ने, जो बर्तानिया की मलका बनी, वो इस डॉग ब्रीड की बहुत बड़ी फैन बन गई थी। आज भी अमेरिका और इंग्लैंड में इस डॉग ब्रीड्स के ऐसे बहुत से डॉग्स हैं जिनकी नस्ल क्वीन अलेक्जेंड्रा के डॉग से जा मिलती है। यही वजह इनको कीमती बनाती है। हमारी लिस्ट में बाकी तमाम कुत्तों की नस्लों को पीछे छोड़ने वाली ये डॉग ब्रीड वैसे भी एक नायाब शक्ल इख्तियार कर चुकी है। इनकी हाइट 2 फीट तक होती है और वजन 45 से 65 पाउंड तक होता है। इनकी कीमत $4,000 से $10,000 तक होती है। कंट्रीज और प्योर ब्रीड के हिसाब से इन सभी डॉग्स की प्राइस आपकी कंट्री में अलग हो सकती है। दोस्तों, आपको इन सभी डॉग्स में से कौन सी डॉग ब्रीड अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। मजीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल इलम के मोती सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का शुक्रिया।